अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ कीमा भरे करेले। मेरे पास ये 1 kg करेले हैं, इनको मैंने नमक लगा के 1 घंटे से रखा हुआ है। अभी मैं इनको वॉश करूँगी और ये मसाला तैयार करने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये 2 अदद प्याज हैं, 3 टमाटर को मैंने काटा हुआ है, 1 टीस्पून कुटी पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून नमक, और ये 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टीस्पून मेरे पास ये कसूरी मेथी है, और ये 1/2 है, ये 1 चम्मच था मेरे पास पिसा हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्चें। 1/2 मैंने कीमा रखा हुआ है, कीमा था मेरे पास 1/2 किलो, उसको मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, 1/2 मसाला मैंने इसमें डाला ये और 1/2 ये है, आज मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, कीमा मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, ये बस अब इसमें मसाले डाल के इसको मैं भून कर और ये मसाला कीमा उसमें भरेंगे करेलों में। अभी करेले वॉश करते हैं। चलें, ये देखें, इनको अच्छी तरह वॉश कीजिएगा क्योंकि इन पे नमक लगा हुआ है और 1 घंटे से ये रखे हुए थे मैंने लगा के नमक, ताकि इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। इनको अच्छी तरह वॉश करें और एक किसी जाली में रखिएगा ताकि इनका पानी ड्रेन हो जाए। अच्छी तरह इनका पानी ड्रेन करके तो जो मसाला हमने बनाया है भुनेंगे कीमा, वो इसमें भरेंगे और लास्ट में फिर जो बचेगा वो मैं तरीका आपको बताऊँगी, अलग से मसाला भी बनेगा। ये वॉश करके इनको इनका पानी निकालते हैं। देखें, सारे की करेले मैंने वॉश किए हैं। ये देखें, इनका अच्छी तरह पानी इस तरह निचोड़ लें और इस तरह रखते जाएं जी। तो ये देखें, जो कीमा मैंने बॉईल करने के लिए रखा था वो मैं आपको दिखा नहीं सकी, वो वीडियो स्किप हो गई है क्योंकि लाइट चली गई थी। इसमें मैंने जब बॉईल करने के लिए रखा था सिर्फ प्याज और टमाटर डाले थे, 1 प्याज और 2 टमाटर डाल के इसको मैंने बॉईल करने के लिए रखा, और बाद में मैंने इसमें लाल मिर्च, नमक, कुटी मिर्च, हल्दी, काली मिर्च डाल के इसको अच्छा सा भून लिया। अब इसको मैं करेलों में भरूंगी। इस तरह देखें, इस तरह इनको भरते जाएं और फिर ज़्यादा नहीं भरिएगा कि बाहर निकले अपने अंदाजे से। करेलों का अच्छी तरह पानी निचोड़ लिया है, उसको रखते जाएं ऐसे। सारे करेले इसी तरह फिल करके कीमे से, तो इसको धागे से बांधना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, और फिर इनको हम अलग से मैं फ्राई करती हूँ। ये देखें, बाकी मैं करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह धागा लिया और ये इसको इस तरह करके ऐसे लपेटते जाएं। अच्छा सा करें ताकि ये कीमा इसका बाहर ना निकले। इसी तरह अब कर लें और ये दूसरा देखें, इस तरह इसको अच्छा सा मसाला अंदर करें और इसी तरह देखिए फ्लेम को ऑन करने लगी हूँ मैं। अभी इसमें ऑयल जाएगा और करेले फ्राई करेंगे इसमें और फिर अलग से इसका मसाला भी जाएगा। ये चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ इसकी। अभी ये देखें, तो रखें इसमें, और ये जो अलग से मसाला बनेगा उसकी चीज़ें देख लें। पहले भी मैंने आपको दिखाई थी, इसमें ये 3 टमाटर हैं, 2 प्याज, पिसा हुआ गरम मसाला है, कसूरी मेथी है, और ये 1/2 चम्मच लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है। बाकी ये वो सारे वही मसाले हैं, लाल मिर्च, छोटी मिर्च, ज़ीरा, नमक, काली मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ धनिया, और लास्ट में ये धनिया जाएगा कटा हुआ,
और ये जो मसाला अलग से बनेगा उसमें ये एक कप दही जाएगा। तो अभी फ़िलहाल ये देखें अच्छा इनको भूनते हैं अच्छा सा बेलों को। ये पैन थोड़ा सा छोटा है, अभी मैंने हाफ डाले हैं, हाफ अभी रखे हुए हैं। जैसे फिर भूनते हैं तो फिर दूसरे फ्राई करती हूँ। चलिए फ्राई हो रही, इसकी मैंने साइड चेंज की है, एक तरफ से हो चुके हैं, अभी ये इधर से फ्राई हो रहे हैं। इसका साथ ही मैं मसाला रखूँगी एक साइड पे। देखें इसमें ऑयल जाएगा, अभी इसका मसाला बनेगा। ये मसाले के लिए अलग से जो मसाला बनेगा, इसमें जो प्याज मैंने आपको बताई थी वो जाएगी। पहले प्याज को फ्राई करना है। थोड़ा सा कम लग रहा है और डाल दें थोड़ा सा। दूसरी तरफ ये देखें चारों तरफ से इनको इस तरह टर्न करके एक सा कलर दें ताकि अच्छे से ये गल भी जाए और इनसे कलर भी आ जाए। ये देखिए प्याज फ्राई हो चुके थे, अभी इसमें मैंने टमाटर डाले हैं, ये सारे हरा मसाला जो ग्रीन मसाला हो जाएगा इससे वो निकालिए। अच्छा सा भून के और जो मेरे पास कीमा बच गया था कुछ जो करेलों में मैंने भरा है वो भी इसमें डाल के इसका अच्छा सा मसाला बनाएंगे और ये दही जाएगा इसमें। कीमा बचा था वो भी मैंने इसमें डाल दिए, इसको अच्छा सा भून दें, इसको बंद करते हैं। और देखें हाफ जो हो चुके हैं करेले, ये जो बच गए थे वो भी मैंने डाल दिए इसमें। देखें मसाला फ्राई हो चुका है, अभी इसमें मैं ये कसूरी मेथी डाल रही हूँ, गरम मसाला पाउडर। देखें मसाला अच्छा सा फ्राई हो चुका है, मैं करेले डालूँगी। देखें ये फ्राई हो रहे हैं, ये देखें पहले नीचे रखे थे करेले जो पहले फ्राई हुए थे, अभी ये दूसरे भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे इस तरह। करेले हमारे तैयार हैं, इसको बस 5 मिनट के लिए आप
दम पे रख दें और मज़ेदार करेले तैयार हैं। ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। आजकल गर्मी में बहुत अच्छे करेले आए हुए हैं, बहुत अच्छे भरे हुए करेले बहुत अच्छे बनते हैं। अभी मैं इसको दम पे रखूंगी थोड़ी देर के लिए, इसमें धनिया जाएगा। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखते हैं। ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं, अभी मैं इसका फ्लेम बंद करूंगी और ये करेले तैयार हैं, अभी मैं डिश आउट करती हूँ। जी तो ये देखें करेले तैयार हो चुके हैं, अभी मैंने इनको डिश आउट किया है। और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसे बने, और मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।